शुभी, गुड आफ्टरनून। नहीं जी अनूप, समझ नहीं रहे हो तुम। चलो देखो। अच्छा देखो, ये URL का मतलब है यहाँ पे, बोल सकते हो वेब एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं अदिति, गुड आफ्टरनून। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ अ वेब पेज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, URL। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से सुनो, ध्यान से सुनो सारे लोग, अब यहाँ पे जिसको भी प्रॉब्लम हो। आवाज नहीं आ रही है चांदनी, देव को भी आवाज। अच्छा आ रही है, ओके चलिए ठीक है। अच्छा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, किसी किसी की वॉइस अच्छा आ रही है। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से पूरी कंप्लीट एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपको हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जब भी कुछ आप समझना चाहेंगे तो हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, ध्यान देना, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं, यहाँ पे इसका जो कलेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं वेब पेज। क्या बोलते हैं, वेब पेज। ठीक, क्या बोलते हैं, वेब पेज। मतलब अगर आपको इन्फॉर्मेशन को रखना है तो आप कहाँ रखेंगे, वेब पेज में रखेंगे, वेब पेज बना के रखेंगे। और वेब पेज के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स। क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स, ध्यान से सुनना। ये वेबसाइट्स है और वेबसाइट्स में ही इंफॉर्मेशंस होती हैं, आप ये याद रखना, वेबसाइट्स में ही इंफॉर्मेशंस होती हैं। अब आप बताइए, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो आपकी वेबसाइट को, वेबसाइट बनाने के बाद आप इसको अपलोड करते हो, क्या करते हो, अपलोड कहते हो ना, गूगल पे हमने अपलोड कर दिया है, मतलब उसको आप होस्ट कर देते हो। होस्ट का मतलब होता है कि इंटरनेट पर, नेटवर्क के अंदर आपकी इस वेबसाइट को एक कंप्यूटर मिल जाता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट को एक कंप्यूटर मिल जाता है। तो ध्यान देना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपका एक नेटवर्क है, ये पूरा एक क्या है, आपका नेटवर्क है, और नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हैं जिसको गूगल ने बना के रखे हैं। आप ऐसे समझो, ये गूगल ने अपने पास बहुत सारे कंप्यूटर को बना के रखे हैं, और हर कंप्यूटर का एक नाम होगा, आईपी एड्रेस होगा। क्या होगा, नाम होगा और आईपी एड्रेस होगा। ठीक, ध्यान देना। अब मैंने आपसे, ये गूगल है, क्या है, गूगल है। अब मैंने आपसे कहा कि गुड नून सूर्या, ध्यान से समझना बात को, यहाँ पे ये पूरा एक इंटरनेट है, नेटवर्क है, और नेटवर्क ये गूगल है, और गूगल के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हैं। अब आपने अपनी एक वेबसाइट क्या करी, क्रिएट करी, आपने अपनी एक वेबसाइट क्या करी, क्रिएट करी, और वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, गूगल पर अपलोड करने वाले। गूगल पे क्या करने वाले, अपलोड करने वाले। ठीक है, अपलोड करने वाले हैं। अब आपने जो वेबसाइट बनाई थी, ये जो वेबसाइट आपने बनाई थी, वेबसाइट में था क्या उसको आप देख लो यहाँ पे ध्यान से। ये आपने जो वेबसाइट बनाई थी, तो इस वेबसाइट में कई सारे आपने फोल्डर बनाए थे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए। तो आपने एक फोल्डर बनाया था कंप्यूटर नाम का, जिसमें आपने रखा था कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, और एक आपने एचटीएमएल नाम बनाया था जिसमें आपने रखा था एचटीएमएल की इंफॉर्मेशन। प्रगति, गुड आफ्टरनून। ये कंप्यूटर में आपने लिखा था, मान लेते हैं सुपर कंप्यूटर के डेफिनेशन, सुपर डॉट एचटीएमएल, ये एक पेज आपने बनाया था जो किसके अंदर था, कंप्यूटर फोल्डर के अंदर था, और यहाँ पे आपने एक बनाया था हेड डॉट एचटीएमएल, हेड के बारे में। तो ये आपने कुछ ऐसी वेबसाइट बनाई थी, और वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेज बनते हैं, दो फोल्डर के अंदर दो वेब पेजेज आपके थे यहाँ पे, सुपर डॉट एचटीएमएल और हेड डॉट एचटीएमएल। तो ये जो आपने वेबसाइट बनाई थी, आपकी वेबसाइट
का नाम जो भी था आपने, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, जो आपने वेबसाइट यहाँ बनाई थी, ये वेबसाइट आपके पास यहाँ पे है, बताओ ये क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, कि ये आपकी वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर आपके दो वेब पेज हैं, एक है सुपर डॉट एचटीएमएल और एक है हेड डॉट एचटीएमएल, और अलग अलग फोल्डर के अंदर आपने रखा हुआ है पेजेस को, फाइल्स को आपने अलग अलग के अंदर रखा हुआ है। बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है पहले, ये वाला वेबसाइट वाला, सभी को वेबसाइट वाला पॉइंट क्लियर है कि जब आप वेबसाइट बनाते हो, वेब पेज बना डालते हो ढेर सारे, ठीक है, वेब पेज बना डालते हो और वेब पेज के कलेक्शन को लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, वेबसाइट बनाने के बाद ये आता है कि आप वेबसाइट को अपलोड करोगे। जब आप वेबसाइट को अपलोड करते हो, ठीक है, तो जब अपलोड करते हो तो आप अपलोड कहाँ करोगे यार, गूगल के पास। तो गूगल क्या करता है, अपने किसी एक कंप्यूटर पर अपलोड कर देता है, किसी एक कंप्यूटर पर क्या करता है, अपलोड कर देता है। और हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। अभी मैंने आपको आईपी एड्रेस पढ़ाया नहीं है, तो अभी आईपी एड्रेस में बात बहुत डिटेल करूंगा नहीं, पर ध्यान देना हर कंप्यूटर के पास एक क्या होता है, एड्रेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। और उस आईपी एड्रेस पर वो क्या करता है, अपलोड कर देता है आपकी वेबसाइट को। चलो मान लिया इस कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट अपलोड हो गई, ठीक। अब होता क्या है कि इस कंप्यूटर का जो नाम होगा आप अपने हिसाब से रखोगे। जिस कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट अपलोड हो रही है, उस कंप्यूटर का नाम आप अपने हिसाब से रखोगे। तो आपने उसका नाम दे दिया www., जैसे मैंने दे दिया iics college.com, मैंने रख दिया iics college.com। और मेरी ये जो वेबसाइट है, ये पूरी जो वेबसाइट है वो iics college.com पर जाकर के लोड हो जाएगी, iics.com पर जाकर के लोड हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। इसका मतलब है जब कभी मेरी वेबसाइट को कोई एक्सेस, अब मेरी वेबसाइट मेरे पास नहीं है, अब ये वेबसाइट मेरे पास नहीं, मैंने कहाँ अपलोड कर दी इसको, गूगल के पास। गूगल कहाँ रखा, एक कंप्यूटर के पास, उसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, मुझे आईपी एड्रेस अभी डिस्कस नहीं करना है। लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं इस कंप्यूटर का नाम अपनी जानकारी के लिए या सबकी जानकारी के लिए रख दिया www, इसी को बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, वो आगे आप देखेंगे। इसका मतलब है ये कंप्यूटर एक होस्ट है, सबके सब क्या होते हैं, नेटवर्क में हम लोग होस्ट, ये भी अलग होस्ट है, ये अलग होस्ट है, ये अलग होस्ट है, अलग, ये एक होस्ट है। तो होस्ट का नाम यहाँ पे क्या हो गया, iics college.com। ये बात क्लियर हो यहाँ तक कि अपलोड करने के बाद उसको एक आप नाम दे देते हो, उसी नाम से दुनिया भर के सारे लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। ये समझ में आई बात कि नहीं, बताइए। अगर मुझे आपकी वेबसाइट तक जाना है तो मैं लिखूंगा www.ics.com, वहां पहुंच जाऊंगा, ठीक। अगर मुझे क्या करना है, किसी और वेबसाइट को ओपन करना है, तो उसको भी अपना नाम दिया गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, जब मान लेता हूं मुझे इसको ओपन करना था, किसको ओपन करना था, head.html को, मान लेते हैं इसमें कुछ लिखा गया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे इसे ओपन करना था, तो मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा, पहले बोलूंगा मुझे जाना है www, ठीक, .iics college, समझ में आ गया, iics college.com, और स्लैश करोगे। अब यहाँ पहुंच गए, जब यहाँ पहुंच गए तो ये जो वेबसाइट है ना वो यहाँ पे नहीं रखी, यहाँ पे रखी है, इस कंप्यूटर के पास रखी है। तो अब उसके अंदर किस फोल्डर में जाओगे, HTML, और किस फोल्डर में जाओगे, मतलब फाइल का नाम क्या होगा, head.html, और उसके पहले यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज होता है, इसका नाम है HTTP या फिर HTTPS, दो में से कोई भी प्रोटोकॉल यूज होगा। ये जो आप देख रहे हो ना, यही पूरा क्या है, URL है। अगर यही आप डायरेक्टली एंटर कर दो तो आपका जो वेब पेज होगा वो ब्राउजर पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब समझ में आई बात, अनूप, या कि सभी को जिसको भी कन्फ्यूजन रहा हो, आखिर क्या होती है वेबसाइट, क्या अपलोडिंग होती है, क्या क्यों लिखा जाता है ये सब, ठीक। ये URL है, यही स्ट्रक्चर ऑफ URL था, आपको याद होगा, यही था आपका स्ट्रक्चर ऑफ URL, ठीक है। जहां पर आपने देखा था कि ये प्रोटोकॉल था, मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान देना, वहीं से मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूं इस चीज को। ये मैंने बताया था, ये है प्रोटोकॉल, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक। और ये आपका पूरा का पूरा ये जो है होस्ट है, ये क्या है, होस्ट है, मतलब एक होस्ट का मतलब होता है एक कोई कंप्यूटर इंटरनेट के अंदर जहां पे आपकी वेबसाइट है वो होस्ट कहलाता है। ये है फोल्डर, ये पूरा पाथ है, ये फाइल का पाथ है, फाइल पाथ। और मैंने एक याद होगा यही बीच में पोर्ट नंबर दिया था, क्या दिया था, पोर्ट नंबर भी होता है, तो पोर्ट नंबर भी दिया गया था आपको, ठीक है। चलिए
समझ में आई बात यहां तक सभी को? क्लियर हो गया पिछली क्लास या अभी तक का जो भी कंफ्यूजन था? आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ यूआरएल, टाइप्स ऑफ यूआरएल। स्क्रीनशॉट इसको ले लेना, जिसको भी लेना हो ले लेना, ठीक। जिसने अपलोड किया है वो तो अपलोड हो गया, वो आपने अपलोड कर दिया बस, ठीक है, अब आपसे मतलब नहीं है। अब उस जिस वेबसाइट को एक्सेस करना होगा वो एक्सेस हो जाएगा, आपको बस नाम बताना होगा। ये इंटरनेट से काम कर रहा है ना आपकी वेबसाइट, गूगल इंटरनेट से काम करता है। तो अगर आप किसी को बता दोगे यार iscscollege.com मेरे वेबसाइट का नाम है, तो वेबसाइट यहाँ पे रखी गई अपने आप आ जाएगी। चाहे आप, इसीलिए तो आपने क्या किया था यहाँ पे रखा है कि दुनिया में कहीं से भी लोग एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो इसको। अगर आपके पास होती सिर्फ आप ही जानते, कोई और बाहर ही नहीं जानता, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। चलिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ यूआरएल, टाइप्स ऑफ यूआरएल। तो पॉइंट बनाना यहाँ पे, टाइप्स ऑफ यूआरएल, टाइप्स ऑफ यूआरएल। दरअसल जो यूआरएल हो यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यूआरएल कितने टाइप का यहाँ पे होगा आपका? दो टाइप का होगा, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। तो यहाँ पे दो टाइप का यूआरएल होता है, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होता है रिलेटिव यूआरएल। पहले हम यहां बात करते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल की। ठीक है, ध्यान से देखना, एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब होता है एक कंप्लीट पाथ, एक कंप्लीट पाथ। कंप्लीट पाथ का मतलब होता है कि जहां पे वो रखा गया है, जहां पे वो रखा गया है, किस होस्ट पे रखा गया है, कौन सा प्रोटोकॉल है, किस होस्ट पे है, कौन सा पोर्ट नंबर है, किस फोल्डर में है, कौन सी फाइल है, जो पूरा का पूरा उसका पाथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल। मैं एक पहले एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो मैं चलो दोनों को क्या कर देना यहाँ पे, जैसे यहाँ रिलेटिव यूआरएल लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, रिलेटिव यूआरएल, यूआरएल, ठीक। अब ध्यान देना, अभी मैं थोड़ी देर की बात करूं यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया एक यूआरएल, ऐसे लिख दिया आपके सामने https://www.iscscollege.com। मैंने यहाँ लिख दिया, पोर्ट नंबर भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 8080 और स्लैश यहाँ लिख दिया मैंने, मान लेता हूँ आपने था html और फिर यहाँ पे लिख दिया head.html। ये कंप्लीट पाथ है, ये कैसा पाथ है, एक कंप्लीट पाथ है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये हम किसी को बताएंगे, अगर ये हम किसी को बताएंगे तो इसका मतलब है वो समझ जाएगा कि यार ये कोई वेबसाइट का नाम है, उसके अंदर पूरी पोर्ट नंबर पर इस फोल्डर के अंदर ये फाइल रखी हुई है, मुझे यहाँ पहुंचना है, तो भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं करेंटली इस फोल्डर में है या इस फोल्डर के बाहर है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे आउटसाइडर में है, और हमें फिर से मान लेता हूँ इसके पहले आपने जो बनाया था, जैसे ऐसे समझ लो आप कि अभी ये जो आपने बनाया था, मान लेते हैं एचटीएमएल फॉर, दो फाइल थी, एक था br.html, एक क्या था br.html। अगर मुझे, मैं यहाँ पर हूँ इसी फाइल के अंदर हूँ और मुझे क्या करना हो, br के अंदर जाना हो, br के अंदर जाना हो, तो एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है कि मैं या तो पूरा पाथ लिखूं या तो सिर्फ लिख दूं, क्योंकि यहीं पे हूं मैं, तो यहां लिख सकता हूं, ध्यान देना, सिर्फ लिख दूंगा html/br.html। ये बताओ ये भी पाथ लिखो तब भी सही है। अगर मैं पूरा लिखता हूं, क्या लिखता हूं पूरा, यहाँ पे ये http इतना पूरा रहेगा, यहाँ लिख दूंगा br.html, तो ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट, ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा हो जाएगा एब्सोल्यूट, ठीक, और ये हो गया आपका रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा कंप्लीट पाथ, और रिलेटिव का मतलब यहाँ पे होता है कि आप जहां पे हो वहीं से पाथ को क्या करो, काउंट करो, आप जहां पे हो वहीं से पाथ को काउंट करो। सिंपल सी बात है कि आपको रिलेटिव पाथ मिल जाएगा। तो रिलेटिव पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बार बार जरूरत नहीं होती कि पाथ आप पूरा लिखो, अगर आप करेंटली यहाँ पे हो तो वहीं से आप क्या करो, कंटिन्यू कर दो। तो समझ में आता है कि नहीं आई, कि मैं सभी को क्लियर हुई बात, रिलेटिव का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है।
अच्छा रिलेटिव नहीं था। अच्छा देखो, जैसे एक ही ध्यान दो, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं पाथ की बात कर रहा हूँ ना, पाथ की बात कर रहा हूँ। चलो अच्छा, कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम है। देखो मैं इलाहाबाद में हूँ, मैं हूँ इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद में हूँ, और मुझे ये मैं पाथ दे रहा हूँ, देखो मुझे इलाहाबाद से जाना है, ठीक है। मान लो इलाहाबाद से कहाँ जाना है, कानपुर जाना है, कानपुर से मुझे जाना है, मान लेते हैं इलाहाबाद से या कानपुर, कानपुर से मुझे जाना है मान लेता हूँ गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली, ठीक। ये है, ये मेरा पूरा कंप्लीट पाथ है जो मुझे जाना है, इलाहाबाद से कानपुर, गाजियाबाद होते दिल्ली जाना है मुझे, ठीक है, समझ लेना। ये पूरा पाथ है मेरा यहाँ से यहाँ तक। तो अब अगर कोई कहता है प्रेजेंट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में मैं कहाँ हूँ, कानपुर में हूँ, ये पूरा पाथ है, पहले का पाथ है, अभी मैं कुछ स्टार्ट नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी को इलाहाबाद से दिल्ली जाना है तो कानपुर गाजियाबाद होते हुए जा सकता है, बस ये पाथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात देखो, मैं कह रहा हूँ मैं इसमें कानपुर में हूँ, कहाँ पे हूँ, कानपुर में हूँ, ठीक। अब जैसे दिल्ली के अंदर मान लो मुझे जाना था यहाँ पे न्यू दिल्ली जाना था, या फिर मैंने मान लिया चलो करोल बाग में जाना था, कहाँ जाना था, करोल बाग जाना था, करोल बाग, ठीक, मुझे मान लो यहाँ पे जाना था। तो अब बताओ मैं कानपुर के अंदर हूँ, कानपुर के अंदर हूँ, तो अब कोई कहता है यार एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा मुझे बता दो करोल बाग जाने का, मैं कहाँ पे हूँ, कानपुर के अंदर हूँ, मुझे कोई कह रहा है यार मुझे करोल बाग जाना है, एक्चुअल पाथ बता दो मुझे, तो अगर आप एब्सोल्यूट पाथ बताओगे ना तो कहोगे यार एक काम करना, क्योंकि उसे पता है ना, कंप्यूटर को पता है कि क्या पता है उसको, इलाहाबाद से कानपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, ये पता है कि यहीं से शुरुआत होती है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है रूट से, जहां से रूट से, ठीक है, रूट का मतलब होता है जहां से स्टार्टिंग होती है। तो वो क्या कहेगा, ये एब्सोल्यूट पाथ है, कहेगा क्या करो, इलाहाबाद, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से कहाँ जाना है आपको, कानपुर, कानपुर से कहाँ जाना है, गाजियाबाद, गाजियाबाद से कहाँ जाना है, दिल्ली, और फिर दिल्ली के अंदर क्या होगा आपका, करोल बाग होगा। लेकिन एक तरीका और क्या हो सकता था यार, अगर आप कानपुर में हो, ये देखो ये हो गया एब्सोल्यूट आपका, क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया यहाँ पे, ये याद रखना, ये जो पाथ आपका हो गया, ये वाला हो गया एब्सोल्यूट पाथ, ये एब्सोल्यूट यूआरएल जो भी आप बोल दो। इसके बाद आपसे ये बोला गया कि नहीं, कोई कहता है यार कानपुर में अगर आप हो, कानपुर में हो तो कानपुर से कहाँ चले जाओ, अगर कानपुर में हो तो कानपुर से सीधे क्या जाओ, पहले गाजियाबाद जाओ, कहाँ जाओ, आपको कानपुर में थो ना सबसे पहले काम यहाँ पाथ देने का, मतलब आप गाजियाबाद जाओ, क्योंकि तो कानपुर में थो ही लिखने की जरूरत नहीं है, तो गाजियाबाद जाओ, गाजियाबाद से कहाँ जाओ, दिल्ली जाओ, दिल्ली से कहाँ जाओ, करोल बाग जाओ। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये रिलेटिव पाथ हो गया, कैसा पाथ हो गया आपका ये, अब ये रिलेटिव हो गया, मतलब ये जहां पे हो वहीं से आपने क्या कर दिया, पाथ को काउंट कर लिया, तो क्या हो गया, रिलेटिव पाथ हो गया। तो ये अगर आप कहते हो तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट पाथ, अगर आप ये कहते हो तो क्या हो गया, रिलेटिव पाथ। अब बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं है, समझ में आई बात, ओके। तो कभी कभी जब आप इमेज लगाते हो, याद रखना, जब आप इमेज लगाते हो किसी, कहीं भी इमेज लगाते हो, तो ध्यान देना आप लोग क्या करते हो कि इमेज के दो पाथ होते हैं, या तो आप क्या करते हो पूरा सी ड्राइव से पाथ ही कॉपी कर लेते हो, या तो क्या करते हो आप पूरा बस उसी इमेज को, फोल्डर को कॉपी मतलब पाथ दे करके इमेज लगा देते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया, फिर फिलहाल मैं कंप्यूटर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। देखो अब जैसे मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, ध्यान देना, देखो जैसे स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर देखना, एक टेस्ट नाम का फोल्डर है, टेस्ट नाम का फोल्डर है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर गया, इसको ओपन किया मैंने, देखो ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। अब देखो इसके अंदर एक टेस्ट नाम है, टेस्ट डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल है, और एक आईएमजी नाम का फोल्डर है, और आईएमजी नाम के फोल्डर के अंदर दो क्या है, इमेज है, दो इमेज है, एक है एबीसी डॉट जेपीजी और एक है आरयू डॉट जेपीजी, ठीक। तो एक एबीसी डॉट जेपीजी, एक क्या है आरयू डॉट जेपीजी, याद रखना। तो अब मैं बताओ, अगर मुझे इस फाइल के अंदर इमेज लगानी है, तो इमेज तो हर कोई लगा सकता है ना, एचटीएमएल में इमेज तो हर कोई लगा सकता है, क्या लिखते हो, आई एम जी एस आर सी, उसका नाम दे देते हो, आई एम जी एस आर सी, और उसका पूरा पाथ दे देते हो। तो अभी बताओ अगर आप इस फाइल के अंदर इमेज लगाना चाहते हो, इस फाइल के अंदर इमेज लगाना चाहते हो, और इमेज बगल में पड़ी है,
इमेज बगल में पड़ी है तो यहाँ डालोगे img, उसके अंदर जाओगे स्लैश करके और लिखोगे abc.jpg या फिर audio.jpg, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो मैं वही कोड लिख दिया हूँ यहाँ पे, मैं टाइम को बचाते हुए कोड यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नोटपैड पर ओपन कर रहा हूँ, ये आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ओपन विथ नोटपैड, चलिए देखो ये आपके पास पहला कोड है, ये पहला कोड है, ध्यान दो। जैसे ये पहली लाइन है, क्या लिखा गया है तो बताइए, दोनों जो abc.jpg थी, जैसे इमेज के अंदर, इमेज img के अंदर, सॉरी img के अंदर दोनों फाइल है, abc.jpg भी है और audio.jpg भी है, audio.jpg भी है, दोनों है, ठीक। तो अब बताओ, अगर देखो पहला वाला देखो, सिंपल वाला देखो, अभी आप html फाइल कहाँ है, html फाइल तो इसी के अंदर है, इसी टेस्ट के अंदर है, तो ये बोला गया है कि html फाइल के अंदर अगर इमेज लगानी है तो सीधे कहाँ जाओ, img के अंदर जाओ और उसके अंदर क्या पा जाओगे, audio.jpg या abc.jpg, जो भी आपको लगाना है। तो देखो मैंने लगाया दूसरा वाला, देखो img src, img के अंदर गया, audio.jpg लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव पाथ है, लेकिन सेम उसी लोकेशन पर रखी हुई कोई इमेज है, उसी लोकेशन पर रखी हुई एक दूसरी इमेज है, चाहे उसी इमेज को मान लो आप। अब देखो आप कहाँ गए, सी ड्राइव, यूजर, डीके करके डेस्कटॉप है, टेस्ट है, मतलब पूरा कंप्लीट पाथ हो गया। जो आप लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाते हो, वहां से पूरी लोकेशन कॉपी करते हो, वो ये है, पूरी लोकेशन ही है, लेकिन जो करंट लोकेशन से आप जा रहे हो ये है। तो दोनों रन कर रही है, दोनों रन कर रही है। अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से मिनिमाइज करके अगर मैं इसको रन कराऊँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो दोनों इमेज लगेंगी, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। देखो दोनों इमेज लग गई ना, पहली दूसरी, लेकिन एक में पाथ क्या दिया, पूरा पाथ दिया, और एक में क्या दिया, बस वहीं से पाथ दिया जहां पर मैं इमेज रखा हुआ था। समझ गए कि नहीं, बताओ एब्सोल्यूट क्या होता है, अब तो पूरा क्लियर हो चुका होगा ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट इसको लेना हो ले लेना, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक एक पॉइंट यहां पे लिख लेना, ठीक है, बस मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखवा दे रहा हूं। इसमें लिख लेना, एब्सोल्यूट URL डज नॉट डिपेंड on anything, it means it is the complete path of the web page, complete path of the web page, ठीक है, कोई relationship नहीं होती, कोई dependency यहाँ पे नहीं होती, वो मैंने वहां लिखवा दिया, एग्जाम्पल तो लिखवा दिया है, फिलहाल यहाँ भी एक लिख दे रहा हूँ, जैसे http है और स्लैश करके www. कोई भी xyz.com है, पोर्ट नंबर भी लिखोगे यहाँ पे, स्लैश फोल्डर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे फोल्डर है folder, उसके अंदर कोई क्या फाइल है, या कोई और फोल्डर है टेस्ट नाम का हो गया, फिर उसके अंदर कोई फाइल है a.jpg हो, html हो, कोई भी फाइल हो, ये कंप्लीट क्या हो गया, पाथ हो गया, ध्यान देना, ठीक। इसके बाद बात यहाँ पे करता हूँ क्या, एब्सोल्यूट का तो रिलेटिव का, सॉरी रिलेटिव URL डिपेंड्स ऑन द करेंट लोकेशन इट मींस द पाथ ऑफ द टारगेट रिसोर्स, टारगेट में जिस फाइल को आपको ओपन करना है, टारगेट फाइल या रिसोर्स फ्रॉम द करेंट लोकेशन, फ्रॉम द करेंट लोकेशन, कॉल्ड रिलेटिव URL, रिलेटिव URL।
ये डिपेंड होता है, ठीक है, यहाँ पे किसी न किसी पर डिपेंड होगा। जैसे अगर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ, पूरा नहीं लिखूंगा, जैसे एचटीएमएल मैंने लिख दिया था पिछली बार, याद होगा आपको, तो एचटीएमएल और abc.jpg कुछ भी हो सकता है। या फिर मैंने लिख दिया ऐसे, यहाँ पे दो फोल्डर के अंदर था, जैसे मैंने लिख दिया फोल्डर, जैसे पहले वाले के हिसाब देखो फोल्डर टेस्ट, और यहाँ लिख दिया index.html, कुछ भी लिख दिया, मतलब पूरा पाथ मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर इस टाइप की चीजों को लिख रहा हूँ तो समझ लेना कैसा पाथ है यहाँ पे। रिलेटिव पाथ है, तो बताइए समझ में आई कि नहीं बात है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि अब क्लियर आपको हो चुका होगा क्या होता है आपका यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल और क्या होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। चलिए नेक्स्ट, आपका आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस, तो हेडिंग डालना आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, ठीक है। देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है, अगर मैं सिंपली आईपी का फुल फॉर्म बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो पहले मैं ये लिख देता हूं, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं बता भी दिया था कि कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, किसी भी नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, हर डिवाइस के पास एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि किस डिवाइस के पास कौन सा डेटा भेजना है, कहाँ भेजना है, तो उसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे पहचानने के लिए जिस एड्रेस की जरूरत पड़ती है, वो एड्रेस कौन सा है आपका यहाँ पे? आईपी एड्रेस। यहाँ तक कि हम आईपी एड्रेस से ही किसी को ट्रैक भी करते हैं, चाहे फोन ट्रैक करना हो, चाहे कोई डिवाइस ट्रैक करनी हो, तो हम उसके आईपी एड्रेस ही क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। और ट्रैक करने की परमिशन गवर्नमेंट के पास होती है, उसकी एजेंसीज होती है, उनके पास होती है, ऐसा नहीं कि हर कोई ट्रैक कर लेगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस को जो कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और जितने भी आईपी एड्रेसेस होते हैं जो भी नेटवर्क के अंदर, वो सब जैसे आपके पास, आप यहाँ पे सुनते ही होंगे ना, क्राइम ब्रांच या जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन सबके पास अथॉरिटी होती है कि आपको आईपी एड्रेस आपके थ्रू आपके फोन को ट्रैक कर सकती हैं। तो वो जो एड्रेस है जो आपके फोन को, आपके कंप्यूटर को, आपके डिवाइस को यूनिकली किसी नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करवाता है, वही क्या आपका आईपी एड्रेस है, ठीक। तो यहाँ पे देख लिख लेना आप, यहाँ पे एक चीज, इट इज अ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस, यूनिक एड्रेस दैट असाइंड टू ईच डिवाइस, ईच डिवाइस ऑफ अ नेटवर्क, ऑफ अ नेटवर्क फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब जिससे हम यूनिकली उनको आइडेंटिफाई कर पाए, उसके लिए एक एड्रेस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, असाइन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे इफ वी वांट टू एक्सेस, वी वांट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर, एनी कंप्यूटर इन द नेटवर्क, देन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ऑफ दैट कंप्यूटर मस्ट बी रिक्वायर्ड, मस्ट बी रिक्वायर्ड। ध्यान देना, अगर आप किसी कंप्यूटर, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि अभी मैंने आपको दिखाया था
कि गूगल के पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं, हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दिया गया है, ठीक है। तो अगर हमको किसी कंप्यूटर में से कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करनी हो, मतलब गूगल से, मान लो गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हो तो गूगल का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, फेसबुक से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हो तो फेसबुक का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हो तो उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। जब तक आईपी एड्रेस नहीं पता होगा तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे सर हम तो एक्सेस करते हैं, हमें आईपी एड्रेस नहीं पता है, लेकिन वो कैसे करते हैं वो मैं आगे अभी बता रहा हूँ आपको। लेकिन ध्यान देना, गूगल को आप उसके आईपी एड्रेस से ही एक्सेस करते हैं, लेकिन वो चीज शायद आपको नहीं पता हो, ठीक, मगर करते हैं आप उसके आईपी एड्रेस से। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। क्यों आपको नहीं पता चल पाता है कि आईपी एड्रेस मुझे नहीं पता है तब भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन ध्यान देना, जो भी गूगल को, फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टा को जो भी एक्सेस कर रहा है सब आईपी एड्रेस से कर रहा है, बिना आईपी एड्रेस कोई नहीं कर रहा है। और गूगल आपके कंप्यूटर के पास कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो भी आईपी एड्रेस के थ्रू ही भेज रहा है। अगर गूगल के पास आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन को भेज नहीं पाएगा, ठीक है। तो हर एक काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो समझ में आई कुछ बात यहाँ पे, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी जब आपका डीएनएस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो आप समझ जाओगे। अभी के लिए बस समझना कि आईपी एड्रेस, अब आईपी एड्रेस दिखता कैसा है, कैसा होता है, वो नंबर जो असाइन करते हैं वो कैसे दिखते हैं आपको, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। दो मैकेनिज्म है यहाँ पे, देयर आर टू मैकेनिज्म, देयर आर टू स्टैंडर्ड डिवाइस और एप्लीकेशन दोनों के, नहीं नहीं सिर्फ डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है, एप्लीकेशन का नहीं होता। जो अदिति जो एप्लीकेशन का एड्रेस है हम पोर्ट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का जो एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं पोर्ट एड्रेस, और डिवाइस का जो एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। जैसे कंप्यूटर है आईपी, लैपटॉप है आईपी एड्रेस, फोन है आईपी एड्रेस, टैबलेट आईपी एड्रेस, कोई भी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो हर डिवाइस के पास आईपी एड्रेस होगा, एप्लीकेशन के पास आईपी एड्रेस नहीं होता। देयर आर टू स्टैंडर्ड मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस, या कोई इसको टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस के नाम से भी जानता है। जैसे एक आपने सुना होगा IPv4, IPv6, IPv4 पहला क्या है, IPv4, और दूसरा है एप्लीकेशन के पास पोर्ट एड्रेस होता है, PORT, पोर्ट नंबर जिसे हम बोलते हैं ना, पोर्ट नंबर, पोर्ट एड्रेस पढ़ा तो चुके हैं HTTP प्रोटोकॉल में, ठीक है। पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट एड्रेस होता है। दूसरा यहाँ पे IPv6, ये हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, तो ये याद रखना आप यहाँ पे। फुल फॉर्म तो जानते ही रहो यहाँ पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक, और ये क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। चलो क्लियर है कि नहीं यहां तक बताइए आप लोग। यहां तक हो जाएगा सभी का, चलिए ठीक है। फिर बाकी आईपी एड्रेस दिखता कैसा, होता कैसा है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा और देख लेंगे कि आईपी एड्रेस कैसे होते हैं, गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, या फिर फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है ना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना आप, ठीक।